विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने आज सरकार के विरोध में आंदोलन के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों के नुकसान को लेकर झूठी घोषणाएं करती हैं। हम इस सरकार का निषेध करते हैं। जब किसानों के खेतों में पानी था तब उपमुख्यमंत्री तेलंगाना में प्रचार में व्यस्त थे। अब सरकार किसानों की मदद की नौटंकी कर रही है। सोयाबीन का भाव हे महत्त्वाचे विषय घेऊन आम्ही रस्त्यावर उतरलेलो आहोत। अजूनही मागच्या वर्षीचा कापूस शेतकऱ्यांच्या घराघरात पडलेला आहे। धानाची परिस्थिती तशीच आहे, सोयाबीनची परिस्थिती तशी आहे। सोयाबीन असो कापूस असो याच्यामध्ये सरकारचं आयात निर्यात धोरण शेतकऱ्याच्या मुळावर उठणार आहे। जो कापूस 12,000-14,000 रुपये क्विंटल पर्यंत गेला होता तो 6,000 रुपये क्विंटल पर्यंत झालेला आहे। याला भाव दिला पाहिजे ही भूमिका सातत्याने आम्ही मांडलेली आहे। सरकार 10,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मदत दिल्याची घोषणा करतं, ही खोटी घोषणा सरकार करतंय। हे 10,000 कोटी रुपये कोणत्या हेड खाली कोणाला दिले सरकारने स्पष्ट करावं। फक्त आकडेवारी फेकतंय, प्रत्यक्षात देत नाही। म्हणून याचा निषेध आम्ही करतोय, सभागृहाच्या बाहेरही करतोय आणि सभागृहात आम्ही करणार आहोत। धन्यवाद। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री 10 दिन के बाद गए हैं, वो भी नागपुर के पास गए एक इलाके में। उन्होंने इंटरियर में जाना चाहिए था। नागपुर से आधा घंटा रास्ते पे जो खेत है वहां गए थे। वो जिस टाइम सही में जरूरत थी उस टाइम वो तेलंगाना में प्रचार को थे। उनको महाराष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं था। ये सब नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। किसानों से उनको कोई लेना देना नहीं है।